विदिशा के कुरवाई में सीएम राइज स्कूल में मजार बनाने का मामला सामने आया है। मजार बनाने को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि प्रिंसिपल को मजार बनाने नहीं भेजा गया था, मजार बनाना है तो खुद के पैसे से प्लॉट खरीद कर मजार बनाए। वहीं मामला सामने आने के बाद प्रिंसिपल शायना फिरदौस को निलंबित कर दिया गया है। सरकारी स्कूल में मजार बनाने का मामला अब बढ़ता जा रहा है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने स्कूल में मजार बनाने को लेकर कहा, प्राचार्य को स्कूल में मजार बनाने नहीं भेजा गया है, प्रिंसिपल को पढ़ाने के लिए भेजा है। आपको मजार बनाना है तो खुद के पैसों से प्लाट जमीन खरीदो, वहां पर मजार बनाओ। मामले में स्कूल में मजार बनाने वाली कुरवाई स्कूल की तत्कालीन प्रिंसिपल शायना फिरदौस को निलंबित कर दिया गया है। भेजा आपको प्रिंसिपल पढ़ाने के लिए भेजा है, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए भेजा है, धार्मिक उन्माद या संघर्ष पैदा करने के लिए नहीं भेजा। आपको मजार बनाना है, खुद के बाप के पैसे से प्लाट जमाए जमीन खरीदो, वहां जो चाहे सो बनाओ। ये साथ की भूमि है, साथ की भूमि में, और वो भी स्कूल की भूमि है। स्कूल की भूमि पर सिर्फ स्कूल और दूसरी चीजें नहीं चलेगी। गौरतलब है कि विदिशा के कुरवाई में सरकारी स्कूल में मजार बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीएम राइज स्कूल परिसर में प्राचार्य शायना फिरदौस ने सरकारी खर्चे पर चबूतरे को मजार बना दिया। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज के लोग जुमे वाले दिन यानी शुक्रवार को वहां पर नमाज भी पढ़ने लगे। मुस्लिम विद्यार्थियों को इस दिन विशेष अवकाश भी दिया जाता था, जिसकी शिकायत होने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने जांच की और लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने शायना को निलंबित कर दिया। लेकिन सवाल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी है कि आखिरकार कैसे एक सरकारी स्कूल परिसर में प्राचार्य ने मजार बनवा दी और स्कूल शिक्षा विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।